वहीं नैनीताल जिले में पर्यटन सीजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। गर्मी के सीजन में देश विदेश से सैलानी पहाड़ों की ठंडी वादियों में घूमने के लिए आते हैं, लिहाजा हमेशा पार्किंग और यातायात की व्यवस्था पर्यटकों को परेशानी में डालती है। इसलिए जिलाधिकारी ने यातायात से लेकर पर्यटकों के लिए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि प्रशासन द्वारा कई पार्किंग चिन्हित की गई हैं, साथ ही कई पार्किंग के निर्माण भी चल रहे हैं जिन्हें जल्द सुचारू किया जाएगा। साथ ही पर्यटकों को बेहतर व्यवस्था मिले यही हमारा प्रयास है और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग भी पर्यटन सीजन में विशेष व्यवस्था कर रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये जो पार्किंग हमारी विभिन्न टेंडर इत्यादि प्रक्रियाएं पूर्ण न होने के कारण सुचारू नहीं संचालित नहीं हो पाई हैं, उन पार्किंग्स को विभागीय माध्यम से और अन्य माध्यमों से संचालित करवाया जाएगा। साथ ही जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज फोर्स की लगती है, परिवहन विभाग की प्रवर्तन इत्यादि की कार्रवाइयां होती हैं, उन पर भी काम किया जाएगा।